एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक सुरेश कुमार ने कहा कि मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला हमारे पास आया। हमने इसका परीक्षण किया, मरीज को बुखार और शरीर में दर्द था और सैंपल को पुणे भेजा गया है। ये पॉजिटिव पाया गया और इसमें पश्चिम अफ्रीकी स्टेन पाया गया है। घबराने की जरूरत नहीं है और मरीज आइसोलेशन में है। मंकी पॉक्स का एक सस्पेक्टेड केस हमारे पास आया था, इसका हमने टेस्ट कराया क्योंकि उसको क्लासिकल स्किन लीजन्स थे, उसको हल्का बुखार था, बॉडी एक था और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट था। उसका हमने टेस्ट कराया, हमारे यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में टेस्ट हुआ। उसके बाद हमने वो सैंपल NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना भेजा, जो कि कल शाम को हमें मिला कि वो पॉजिटिव है और उसमें क्लेड टू जो वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन है वो उसमें पॉजिटिव है। इसको लेके हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की बात नहीं है और अभी जो पेशेंट है वो आइसोलेशन में है। लास्ट ईयर हमारे पास सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड 16 पेशेंट्स हमारे पास आए थे और एक भी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। सारे के सारे पेशेंट ठीक होके लोकनायक से लास्ट ईयर गए थे और ये पेशेंट भी रिकवर हो रहा है। अभी पेशेंट को सारे वाइटल्स पैरामीटर्स ठीक हैं, बुखार नहीं है और स्किन में जो उनके लीजन है उसमें 10 से 15 दिन लगते हैं ठीक होने में और मुझे आशा है कि ये पेशेंट भी बिल्कुल ठीक होकर घर जाएगा। यानी कि पेशेंट इज नॉट क्रिटिकल? नॉट एट ऑल, पेशेंट इज स्टेबल एज आई टोल्ड यू, ऑल वाइटल पैरामीटर्स आर नॉर्मल एंड पेशेंट इज रिकवरिंग वेरी वेल और इसको लेके कोई भी पब्लिक में चिंता या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो वेस्ट अफ्रीकन क्लैड 2 है इसको लेके ये इसमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है। सर एक और सवाल है कि ट्रैवल हिस्ट्री की और जो इसके आसपास के लोग कांटेक्ट में उसकी कॉन्टेक्ट? जी हाँ, दैट वी आर डूइंग, हमारी सर्विलेंस जो यूनिट है वो कर रही है और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसका ट्रैवल हिस्ट्री है, कई कंट्रीज में इसने ट्रैवल किया है, यूरोप में इसने ट्रैवल किया है, चाइना में इसने ट्रैवल किया है, तो मल्टीपल कंट्रीज में इसका ट्रैवल का हिस्ट्री है।